ये बात 15 अगस्त 1947 की है। घड़ी की सुइयां शाम 5 बजे का वक्त बता रही थी और जगह था दिल्ली के इंडिया गेट के पास मौजूद प्रिंसेस पार्क। आसमान साफ था लेकिन मौसम सुहाना बना हुआ था। तब के आला अधिकारियों का मानना था कि पार्क में 30,000 लोगों की भीड़ जुटेगी, लेकिन आ पहुंचे थे करीब 5 लाख लोग। दरअसल आयोजन ही ऐसा था कि उस वक्त दिल्ली में मौजूद कोई भी शख्स खुद को रोक नहीं पा रहा था। उस दिन पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया जाना था, लिहाजा प्रिंसेस पार्क में इतनी भीड़ थी कि तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बग्गी से उतर नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन भी मंच तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन वो भी बग्गी से नहीं उतर पा रही थी। तब नेहरू ने कहा कि लोगों के सिर पर पैर रखकर मंच तक आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। पामेला थोड़ा हिचकिचाई तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें डांटा और कहा, बेवकूफ लड़की, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। इसके बाद पहले खुद नेहरू और उनकी देखा देखी पामेला ने वैसा ही किया और इंसानी सिरों के कालीन पर चलते हुए वो मंच तक पहुंची। उधर माउंटबेटन जो बग्गी से नहीं उतर पा रहे थे, वहीं से नेहरू से कहा, आप झंडा फहरा दो। मौके की नज़ाकत को देखते हुए नेहरू ने ऐसा ही किया। जैसे ही तिरंगा आसमान में शान से लहराया, वहां मौजूद लोगों ने नारा लगाया, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे अंग्रेजी शासन के इतिहास में ये सम्मान किसी अंग्रेज को प्राप्त नहीं हुआ था। मानो भारत के लोग प्लासी की लड़ाई, 1857 के अंग्रेजों के अत्याचार और जलियांवाला बाग का नरसंहार भी भूल गए थे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। आज की तारीख यानी 15 अगस्त का संबंध भारत की आज़ादी से है और आज हम बात करेंगे 14-15 अगस्त 1947 की। कहानी की शुरुआत 14 अगस्त से करते हैं। 14 अगस्त की शाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित घर के सामने एक कार रुकी। उस कार से दो शख्स उतरे, दोनों ने ही भगवा वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथ में सफ़ेद सिल्क का पीताम्बरम, तंजौर नदी का पवित्र पानी, भभूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए गए उबले हुए चावल थे। जैसे ही नेहरू को उनके आने के बारे में पता चला, वो बाहर आए। उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। दिलचस्प ये है कि खुद नेहरू पूरी ज़िंदगी ऐसे रस्मों को नापसंद करते रहे, लेकिन उस दिन उन्होंने उन दोनों साधुओं के हर अनुरोध को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद नेहरू रात के खाने के लिए डिनर टेबल पर पहुंचे तो वहां इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पद्मजा नायडू पहले से मौजूद थे। भोजन शुरू होता उससे पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वाले शख्स नेहरू से ही बात करना चाहते थे तो नेहरू खाना छोड़कर फ़ोन लाइन पर पहुंचे और जब उन्होंने फ़ोन रखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वो फ़ोन लाहौर से आया था, वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी है, लोग प्यास से पागल हो रहे हैं। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। फ़ोन करने वाले ने नेहरू को बताया कि लाहौर की गलियों में आग लगी हुई है। नेहरू ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा? मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आज़ादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप अपने उस भाषण पर ध्यान दीजिए जो आपको आज रात देश के सामने देना है। लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। खैर, नेहरू ने खुद को संभाला और वो भाषण दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। नेहरू के इस ऐतिहासिक भाषण के तुरंत बाद एक और दिलचस्प घटना घटी। हुआ यूं कि जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक तौर पर भारत के गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने तब के गवर्नर हाउस और अब के राष्ट्रपति भवन गए। वहाँ माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसके बाद खुद माउंटबेटन ने वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से मेहमानों के गिलास में डाल दी।
और फिर अपना ग्लास ऊपर उठाया और कहा टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना ग्लास ऊपर करके कहा किंग जॉर्ज सिस्टम के लिए। वहां से लौटते वक्त नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा दिया और कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जानी है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला तो वो खाली था। दरअसल नेहरू हड़बड़ी में उसमें कागज़ रखना ही भूल गए थे। सुबह 8 बजे संसद भवन में नेहरू के मंत्रिमंडल के मंत्रियों को लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। उधर बाहर दिल्ली की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए लोग उत्साह में सराबोर दिखाई दे रहे थे। नेहरू ने इस मौके के लिए खास तैयारी करवा रखी थी। वह चाहते थे कि आज़ादी की पहली सुबह का स्वागत उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई से हो, जिसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह का इंतजाम देख रहे संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब जी को ये जिम्मेदारी दी कि वो खां साहब को ढूंढ कर लाएँ। कहा जाता है कि बिस्मिल्ला खान साहब उस दिन बनारस में थे जहां से उन्हें एयरफोर्स के विमान से दिल्ली लाया गया और सुजान सिंह पार्क में राजकीय अतिथि के तौर पर ठहराया गया। खुद खान साहब इस बड़े अवसर पर शहनाई बजाने का मौका मिलने पर उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि वो लाल किले पर चलते हुए शहनाई नहीं बजा पाएंगे। नेहरू ने उनसे कहा आप लाल किले पर एक साधारण कलाकार की तरह नहीं चलेंगे, आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं और पूरा देश चलेगा। अंजाम ये हुआ कि बिस्मिल्ला खां और उनके साथियों ने राग काफी बजाकर उस आज़ादी की सुबह का स्वागत किया। खास बात यह है कि साल 1997 में जब देश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा था तो उन्हीं बिस्मिल्ला खां ने एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से ही शहनाई बजाई थी। शाम को जब नेहरू ने झंडा फहराया तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि एकदम साफ और खुले आसमान में इंद्रधनुष नजर आया। ऐसा लगा कि कुदरत भी इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो। इस घटना का जिक्र खुद माउंटबेटन ने 16 अगस्त 1947 को लिखी अपनी 17वीं रिपोर्ट में किया है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंपा था। अब चलते चलते इस दिन हुई दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं को भी जान लेते हैं। 1854 ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई। 1947 रक्षा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत हुई। 1982 भारत में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2004 ब्रायन लारा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। झरोखा का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।